बोलो बोलो, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, हमारा कलकड़ा। मैं ये नवजा अस्पताल में स्टेट बैंक के जरिए से 2.5 लाख पैसे डाले, वो डाले तो वो बरस को महीने को आपको 3000 को जो कुछ डालते हैं वो थोड़े दिन डालिए, बस डाल डाल दिया है टिका डालिए। अब वो हमें जाकर पूछे जैसे उसकी कंपनी जाकर पूछे तो उन्होंने ये होगा वो होगा दे दिन रात डाल दिन आती जा रहा आदमी अगर बोली, बाद में हमें आपको आगे आज भूख अभी खुद गए तो वहाँ कौन कौन सा वो ना उसका नाम क्या वो हैदराबाद बोले शहबाज खान के नाम जी गए, उन्होंने केस हमारे कैसा मुक्त करे वहाँ से वो कलगड़े गए। कलगड़ का एस पी के नीचे चित्र एस पी के नीचे गए, एस पी केस हमने को पीले डी एस पी के डाला, सी ए के डाला, सी ए उन्हें हम कलगड़े भेजा, कलगड़े से हमें केस बुक करा, वो हम बुक करने के बाद में हमें बोल को केस सी पी दिए, वो हमारे पैसे आते लोग बोल दिए, अब हमारे पैसे लगे नहीं हाँ तो इन्हें अल्लाह माशाल्लाह सुबह अल्लाह कर बोल के बोलती है इन्हें पैसे बात के पता को हमें डाले इसके नाम से इसके नाम से डाले तो हमने को पूरा का अगला क्या दिया भैया सर में गया सर में ऐसा कर बोल को अब आप कोर्ट को डालते कोर्ट को आई कोर्ट को आकर अब उनके बोलने खातिर भैया ऐसा कर बोल को बोलते अब क्या बोलना मुझे हमारे पैसे आगे से दुआ करो। हाँ हमारे पैसे आगे से दुआ करो, हम पैसे आगे करो साथ साथ में। तब खड़ते हो खड़ा मैं दिशे से तो हम पकड़ लिया मैं दिशे से सामने कर हाँ दिशा हूँ मैं हाँ दिशा चले दिशा है ना मुँह दिखा जी हाँ हाँ अज़ुल्लाह शैतान अज़ुल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है, मेरे 9 लाख रुपए हैं, मैं हीरा गोल्ड में डाला था। डालने के बाद ये लोग अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह और बोल को वैदे डाले, वैदे डाल को भी दिए नहीं हमारे पैसे दिए नहीं दे लग हमें हैदराबाद में कितने की बार गए दिए नहीं। फिर वहाँ से शहबाज खान के ज़रिए से हम लोगों ने केस किया हैदराबाद में, वहाँ से कलकड़े में भी केस FIR हुआ है, FIR नंबर 1618 है क्या। अब यहाँ हमें कोर्ट को आको ही चित्तूर कोर्ट को सेशन कोर्ट में बैठे हुए हैं, अभी हीरा नहीं आई है, आज उसका यह होने वाला है हियरिंग यहाँ, या पुलिस कस्टडी देगी या बेल देगी ऐसा कुछ मालूम हो रहा है। इंशाल्लाह दुआ करो कि हमारा पैसा हमें मिल जाए, इसीलिए हम यहाँ आए हुए हैं। इंशाल्लाह अब थोड़ी देर में हीरा आने वाली है, इंशाल्लाह आएगी तो जज साहब ने जो फैसला करेंगे हमारे लिए हक़ में करेंगे बोल के हमें उम्मीद है। हिंदुस्तान की हुकूमत पर, हिंदुस्तान के कोर्टों पर, हिंदुस्तान की पुलिस और CBI पर हमें पूरा यकीन है कि हमारा पैसा हमें दिलाएंगे, क्योंकि हमें धोखा हो गया इस्लाम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे धोखा किया हुआ है क्या। अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोल कुछ हमारे गले काड़ा ली क्या, हमें कान जाना से भी समझ में आता ना है, 9 महीने हो गए, 9वां महीना चालू है, ये रुपया पैसा नहीं है हमारे को, हमें क्या करना कहाँ जाना किसे पूछना समझ में आना लगा। हमें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करे, वहाँ से CBI गया, CBI ने लेखा को डाली है चित्तूर सब जेल में है वो, 10 तारीख तक उसको रिमांड मिली हुई है क्या। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करो कि हमारा हक्का माल हमें मिल जाए भाई, हीरा से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, उसके कंपनियों से हमें कोई दुश्मनी है, वो बोलती है कि सियासत है, कहे कि सियासत भाई, हम लोगों ने हक्का लाल के लिए पैसा डाला है, इसमें सियासत क्या है, हमारे पैसे हमें दे डाला, हमें केस की क्या ज़रूरत क्या है। महीने में बेनिफिट दे दूँगा बोली 8 तारीख 10 तारीख है महीना 26 तारीख 30 तारीख माशाल्लाह सुभान अल्लाह, और जिद्दे से कोई आखिर और एक कोई आलिम साहब और एक कोई आलिम साहब वो रब्बानी साहब ये सब साहबा भी बोलते गए कि भाई दे देंगे 9 महीने हो रहा है। फिर आपने कहा कि 3 महीने में हमारी लीगल टीम ने फैसला किया कि 3 महीनों में देंगे, 3 महीने भी हो गए, फिर अगस्त बोला अगस्त भी हो गए, सितंबर हो गया हाँ सितंबर हो गए तो भी पैसे नहीं दिए, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसा होते होते जनवरी आ गया, लोगों के पैसे नहीं मिले। हमें अल्लाह से दुआ है कि हमारे पैसे हमें मिल जाए बस, हमें किसी से कोई नुकसान नहीं है, किसी से कोई फ़ायदा भी नहीं है, इसमें सियासत क्या है, हम छोटे मोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम मिस्कीन है, हमारा जायदाद बेच के हम लोगों ने डाला है, इसमें ज़मीन जायदाद बेच के डाला हुआ है, इसमें सियासत का है कि
ये पॉलिटिक्स है, सियासत है, इसमें इसलिए मुझे लगा नहीं सियासत कोई नहीं, पॉलिटिक्स कोई नहीं। हम छोटे से आदमी से एक ज़ेराक्स सेंटर है मेरा, ज़ेराक्स सेंटर है, इसी वजह से हमने डाला कि कुछ आमदनी आ जाएगी तो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा लेंगे, ज़िंदगी अच्छी तरह गुजर जाएगी समझ के। हम लोगों ने थोड़ी ज़मीन थी, ज़मीन भी बेच के इसके कंपनी में लगा दिए। अब लोग हम कहाँ जाए, ज़मीन को ज़मीन चली गई, पैसे को पैसा चला गया, 9 महीने से दर दर भटक रहे। हाँ, ईदें चली गई, रमज़ान चला गया, बकरी चला गया, मुहर्रम चला गया, एक रुपया भी हमें नहीं मिला। हाँ, कहाँ जाएँ, किसको बोले, क्या रोके, हलेगा तो शहबाज खान को मार देंगे। शहबाज खान ऐसे, शहबाज खान क्या किया भाई, हम रोते मार लेते उसके पास गए कि भाई हम फंस गए तो हमारी मदद कर रहे, उसमें गलती क्या है उसकी, उसको मार देंगे, उसको ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे। शहबाज खान कुत्ता है, कमीना है, सुअर है, ये लोग जितने भी बोले ना ये सारे सुअर वही हैं। शहबाज खान तो गरीबों का मसीहा है। जब एक बाप मर जाता है, बच्चा यतीम हो जाता है तो किसके पास जाता है, चाचू के पास जाता है या बड़े अब्बू के पास जाता है या किसी और के पास जाता है, उसका रोना रोने के लिए, उसका दुख बताने के लिए। हम यतीम हैं, गरीब हैं, हमारा रोना रोने के लिए हम शहबाज भाई के पास गए। हमारे गरीबों के सारे बाप हैं, हमारे गरीबों की सारी मदद करने के लिए बैठे। अल्लाह उनकी उम्र में ईमान में इजाफा करे, उनको सेहत दे, इल्म दे, उनको हिदायत दे, नेक हिदायत दे, गरीबों की मदद करने की तौफीक दे। अल्लाह उनको सही सलामत रखे, हमारी उम्र भी शहबाज भाई को लग जाए। अल्लाह अल्लाह जितने भी शहबाज भाई की बुराई कर रहे हैं, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद कर दे। अल्लाह अल्लाह वो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की मदद करने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह हमारा पैसा हमें दिला दे, इसमें कोई राजकीय नहीं है, कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, हमारा पैसा मिल जाए बस, हमको यही बस। हम कोर्ट से भी, हम CBI से भी, हम वकीलों से भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हम छोटे आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, थोड़ी बहुत ज़मीन थी वो ज़मीन बेच के डाल लिए, उनके बातें सुन के, आपा ऐसी है, आपा वैसी है, ऐसे दे रही है, ये दे रही है, हमें भी 2-4 महीने आया, हमें भी चंद दिन आया फ़ायदा, लेकिन इलेक्शन हुए कर्नाटक में, ये हुआ वो हुआ, फिर सब बोल के इलेक्शन के, जब से हमें पैसा नहीं मिल रहा है। मार्च में मिला, अप्रैल मार्च का पैसा अप्रैल में मिला, बस अप्रैल का पैसा मई में मिला, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 9वां महीना पूरा, 9वां महीना चालू है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी मदद करे, और वो आने वाली है, अल्लाह हमारी मदद करके उसके मुंह से हमारे पैसा दिलवा दे। गरीब लोग हैं हम, सियासतदान नहीं हैं हम, राजी गेम नहीं हैं, राजी गेम से फंसा गया करके मैडम बोल रहे, ये आपा बोल रहे, लेकिन इसमें राजी गेम नहीं है आपा, इसमें राजी गेम नहीं है। हम गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, थोड़ी सी ज़मीन थी उस ज़मीन बेच के हमने डाल दिए ताकि बच्चों की फ्यूचर अच्छा हो जाए, बच्चों को अच्छा पढ़ा लें, बस यही आस थी हमारी कि थोड़ा पैसा मिल जाए। ज़ेराक्स सेंटर में क्या होता है, कितना पैसा कमाते हैं, मशीनें खराब हो जाते हैं, कभी आया गालो कभी नहीं आए, घर का खर्चा, करंट की बिल, फोना के बिल, इतने हाजात हैं, इतने ज़रूरियात हैं, बोल के हमने हक और हलाल का बोल के, इस्लामी इन्वेस्टमेंट बोल के हमने इसमें डाला था, लेकिन ये सब उल्टा हो गया। क्या करें, हम कहाँ जाएँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी मदद करे, और उनके दिल में खुब डाले कि अल्लाह हमारे पैसे दिला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। और जो भी केस करने वाले हैं भाइयों, वो केस कर दे, आखिरी मौका है, अगर यहाँ से निकल जाएगी तो केस करके भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्या। आप लोगों से यही अपील है कि केस भी करने की ज़रूरत नहीं, अटैचमेंट हो जाएगा, अभी जो भी आएंगे उनका रिकॉर्ड लेके उनको अटैचमेंट कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी गरीब लोग केस करना चाहते हैं, इसमें ज़बरदस्ती नहीं है, जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते वो आराम से रह सकते हैं। जिसके पैसे की ज़रूरत है, जिसके हाजात पूरे नहीं हो रहे, जिसके घर पे तकलीफ़ है, फाखा गुजर रहा है, तकलीफ़ें से गुजर रही है, जीना घर चलाना मुश्किल हो गया है, ऐसे लोग केस कर सकते हैं, उनको इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। किसे गल गया?